नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से SSO ID बना सकते हैं, वो भी मात्र 2 मिनट में। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब अपना कीमती समय गवाए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करते हैं। उसके बाद आपको टाइप करना है SSO ID, ठीक है। फिर आपके सामने इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको SSO राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक होम पेज या वेब पेज ओपन होगा, जहां पर आपको दो ऑप्शन दिए होंगे। या तो आप जन आधार कार्ड से SSO ID बना सकते हैं या अपने गूगल ID से भी SSO ID बना सकते हैं। तो मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, इसलिए मैं जन आधार पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप जन आधार पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको जिसकी भी SSO ID बनानी है उसके आगे क्लिक करना है। अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आप जहाँ देख सकते हैं कि सिलेक्टेड जन आधार मेंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन राजस्थान सिग्नल साइन ऑन SSO ID पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी SSO ID बनी हुई है। तो जैसे ही आप अपने जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे, अपने जिस नाम से आपको अपनी SSO ID बनानी है उसके आगे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको OTP सेंड करना है, OTP वेरीफाई करना है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आपकी SSO ID क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने घर बैठे मोबाइल से या PC से जन आधार कार्ड या गूगल ID से मात्र 2 मिनट में अपनी SSO ID बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना है और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना है। धन्यवाद।